सेलिब्रेट करना है हमको, फिर कल के और भी प्लान्स हैं जो आपको इस पूरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, 8 बज गए हैं और हम लोग बिल्कुल बुके के लिए आए हैं और बिल्कुल हम लोग अंदर घुस के सारे बुके देख रहे हैं कि कौन से हैं। वैसे भी रेड है, बाकी और कोई से भी बुके बचे नहीं हैं। तो हम लोग एक बुके बनवाते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें लेंगे। लेट्स गो। बहुत फ्लावर्स हैं वो ले लिए हैं और आज जगन्नाथ जी के जो है वो रथ यात्रा है, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, तो बिल्कुल भी आने जाने की जगह नहीं है, इसलिए हम लोग गाड़ी से नहीं जा पा रहे। हर जगह हमको सिर्फ पैदल ही जाना पड़ रहा है। मुश्किल हो रही है सारी चीज़ें खरीदने के लिए, बहुत दूर दूर तक पैदल चलना पड़ रहा है, पर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे रथ यात्रा बीच में है और बाकी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, तो इसलिए हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। तो कल शायद वो रथ यात्रा आगे चलेगी, जितना पैदल कर सकते हैं हम लोग उतना कर लेते हैं। फाइनली हमने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली, केक भी हमको मिल गया। बहुत रास्ता पैक था चल चल के, फिर गाड़ी लेके जैसे तैसे हमने सारे सामान ले लिए हैं, बट काफ़ी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वैसे अकॉर्डिंगली नहीं मिली है, पर ठीक है जैसा भी है हम लोग मैनेज करेंगे आगे और देखते हैं सारी चीज़ें एक साथ कैसी लगती हैं। आपको तो वीडियो में आगे देखने को मिल ही जाएगा। और जल्दी जल्दी में जो हमारा आधा सामान था वो हम दुकान में ही छोड़ के आ गए। केक तो हमने ले लिया, जो पेस्ट्रीज थी वो दुकान में छूट गई है। तो अभी हम लोग आधे रास्ते आ गए थे, तो अभी हम लोग जस्ट खड़े हैं। तो वो भैया ने बोला था शॉप वाले कि हम आपको वहाँ पे आके, जहाँ आप लोग खड़े हो वहीं पे आके हम लोग आपको डिलीवर कर देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनका वेट कर रहे हैं कि वो जैसे ही आएँ तो हम वो अपना सामान लेके घर जाएँ। एंड काफ़ी अच्छा है कि हमको वापस नहीं जाना पड़ा है, क्योंकि हमने पैसे तो दे ही दिए थे उनको, तो अच्छा है कि वो हमें सारी चीज़ें लेके आके दे रहे हैं। तो ये 9:30 बज ही जाएगा, उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 घंटा या 1 घंटा ही रहेगा सारी चीज़ें एक साथ करने के लिए, डेकोर वगैरह। तो ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं होगा, छोटा होगा, आप लोग देख लेना। तो लेट्स गो। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, फर्स्ट बर्थडे रहेगा हम दोनों का साथ में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मुझे लगता है कि वो भी इतना ही एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड हो कि नहीं? बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत। इतने ज़्यादा है कि बेचारे जिनका बर्थडे है वही मेरे साथ शॉपिंग पे आए, क्योंकि और कोई घर पे नहीं है, तो मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं इनको ही लेके आई हूँ सारी शॉपिंग करने के लिए। थोड़ा थोड़ा तो पता ही चल ही गया होगा ना? थोड़ा थोड़ा पूरा ही पता चल गया। नहीं नहीं, कैसे मैं क्या सेटअप करूंगी ये तो नहीं पता ना तुम्हें? वो तो नहीं पता, बट सब सामान पता है कि क्या लिया है। नहीं 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 नहीं, और एक चीज ये है कि केक भी मैंने चॉइस किया है, ऑर्डर भी मैंने किया है, हर कुछ मैं ही कर रहा हूँ। नहीं मैंने किया है ना, झूठ है ये। वो आप अगर रिएक्शन देखते, वो जो हम लोग जिनसे ले रहे थे केक दुकान वालों से, उनका रिएक्शन देखने से आपको पता चलता है कि वो हंस रहे हैं, जो तुम्हारा बर्थडे तुम ही ले रहे हो केक। अरे तो वही तो ऑर्डर करेंगे। सो अभी चलते हैं घर, लेट्स गो। ग्लास में ये कैंडल फिट करना था, बट ये हो नहीं रहा है, इसके अंदर ही नहीं जा रहा है, तो मैंने इसको पूरा काट दिया है साइड से और अब इसको इसके अंदर फिट कर रही हूँ। तो ये इजीली फिट हो रहा है, तो ऐसे मुझको एक और करना है, फिर जल्दी जल्दी सेट करना है। अभी हो रहा है 11:30, तो अभी हमको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करना है, क्योंकि आधे घंटे ही बस बचे हैं और मैं 11 बजे रूम में आई हूँ, तो जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने अभी आधा प्रिपरेशन किया है, बस अभी मैं जो फ्लावर्स हैं उसको काट काट के ग्लासेस में रख रही हूँ और कैंडल मैंने रख दिया है। तो अभी हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बलून्स वगैरह लगाने पड़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। सो लेट्स गो, जल्दी जल्दी कर। डेकोरेशन कर लिए, एक्चुअली केक वगैरह भी जो है वो कट चुका था, तो केक तो कट गया है और वो तसा था, तो वो नीचे है। तो उस टाइम पे मैं ऐसे ब्लॉग नहीं बना पाई थी फुल, क्योंकि जल्दी जल्दी करना था, चाची और बड़ी मम्मी को भी सोना था, तो इसलिए मैंने फुल ब्लॉग नहीं बनाया। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ थी, तो मैं आपको पेस्ट कर दूँगी सारी जगह पर। तो अभी मैं एक छोटी सी पेस्ट्री लाई हूँ, तो हम लोग उसको कट करेंगे और आपको पूरा डेकोरेशन दिखाती हूँ मैं।
ये हमारा पूरा डिनर। Happy birthday to you, happy birthday dear Herbie, happy birthday to you. Happy birthday to you. तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है डेकोरेशन, आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे बताना। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए इतना सब कुछ डेकोर करने के लिए और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे एग्जीक्यूट हुए हैं। वो भी बहुत ज़्यादा कम टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मैं, 11:15 बजे ऊपर आई थी 11:15 बजे में, और फिर मैंने 45 मिनट्स में सब कुछ सारा अरेंज कर दिया। ये देखो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये कैंडल्स बुझाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट अभी बुझा के फिर सोना भी पड़ेगा क्योंकि कल सुबह हमें हमारे और भी प्लान्स हैं। इट्स टाइम टू ब्लो द कैंडल क्योंकि अभी हमें सोना है। Bye, good night. Good night. See you next day. In next vlog. Next vlog नहीं, next day. Next. Bye. So, good morning everyone. This is the next day. और अभी हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं 7:30 बजे भगवान जी के दर्शन करने और गुप्तेश्वर मंदिर जा रहे हैं जो शिव जी का मंदिर है। और आज मंडे है, इनका बर्थडे है और तो शिव जी के मंदिर तो हमको जाना ही था, तो हम लोग जा रहे हैं अभी गुप्तेश्वर। और हम लोग सुबह 6 बजे उठ गए थे और रात में 2:30 बजे सोए थे, तो सिर्फ 3-4 घंटे की हमने नींद पूरी की है और अब हमें जाना था, तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह उठ गए क्योंकि आज मंडे है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो हमने सोचा जितना सुबह जाएंगे उतना फ्री हम दर्शन कर पाएंगे। और जब से गाड़ी आई है तो गाड़ी की भी पूजा नहीं करवाई थी, तो वहाँ पे पंडित जी है तो उनसे भी गाड़ी की पूजा करा लेंगे, तो एक साथ हमारे दो दो काम हो जाएंगे। और पापा के लिए भी पूजा करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें लेके हम लोग जा रहे हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, आपको दिखाते हो। वजह से ना वो अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, तो अभी तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश नहीं हो रही है ना, तो इसलिए हम लोगों ने ना ये छाता भी ले लिया है अपने साथ में ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे तो हम कार से जा रहे थे, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और वहाँ जाकर हम छाता यूज कर लेंगे। तो कैसा लग रहा है कि सुबह सुबह बर्थडे पे उठ के? मेरा तो आदत है। आदत है? अरे तुम 7:30 बजे उठते हो, अपन 7:30 बजे निकल रहे हैं। हाँ मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ नींद पूरा नहीं हुआ, बट क्या करें, अगर बाबा जी के मंदिर में जाना है, बाबा जी को दर्शन करवाना है, तो हम लोगों तो उसको उठना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, तो अब आगे देखेंगे। तो चलो अभी चलते हैं, हम लोग दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। पता नहीं वहाँ फोन अलाउड है? फोन अलाउड इन द सेंस छुपा के लेना पड़ेगा। ठीक है देखते हैं, अगर अलाउड होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी और अगर नहीं है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो अलाउड नहीं है बट वो अपन जुगाड़ बना लेंगे। हाँ, और हमने लग जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारा फास्ट है, यहाँ से 2 घंटे लगते हैं ना? अराउंड 70 किलोमीटर से अराउंड। तो चलो चलते हैं। समय भालो अच्छे, अपना समय भालो अच्छे। बर्थडे विशेस फ्रॉम माय मॉम एंड डैड। हेलो। सुबह सुबह उनको याद था और उन्होंने विश किया। हेलो। पापा फोन करके विश कर रहे हैं अभी। हाँ। और भाई ने तो रात में कर दिया था। नीचे गाड़ी नहीं ला पा रहे थे बट जैसे तैसे हम लोग नीचे गाड़ी लेकर आ गए हैं, अब हमको चढ़ना है ऊपर। और आप देख सकते हो कितनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ, यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना है हमें, वो सीढ़ी दिख रही है, बहुत ऊपर चढ़ना है। कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे? 100 के ऊपर होगा, वो दिख रही है ना जो पहाड़ के ऊपर है थोड़ा, तो वहाँ तक हमें सीढ़ी चढ़ा के जानी है। तो गाड़ी पार्क करते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, जहाँ तक मैं दिखा पाऊँगी वहाँ तक मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलो चलते हैं, लोग नीचे जा रहे हैं, वहाँ
नदी जा रही है, नदी बोलो ना, बहता हुआ नदी कि बहता हुआ नदी क्या होता है, नदी है तो यहाँ पे नदी है, नदी है तो वहाँ पे हमें पैर धुलना है, उसके बाद हम वापस ऊपर जाएंगे। बता दो, यहाँ थोड़ी तक बहुत सीढ़ियाँ है यहाँ तक, और ये यहाँ तक पानी आता है, बट अभी वहाँ तक ही पानी है, तो चलो हमें वहाँ जाके पैर धुलना है। तो यहाँ पे पानी भर रहे हैं अभी, उसके बाद हम लोग गाड़ी पे जाके टायर पे धुलेंगे और फिर उसके बाद पूजा करेंगे। थोड़ा जल्दी करो, लेट हो जाएगा वरना भी। लोग इतनी सुबह आए हैं, उसके बाद भी अभी इतनी तेज धूप हो गई है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरे गर्मी का सीजन आ गया, इतनी चटक धूप है कि बाहर निकलते भी नहीं बन रहा है। तो अभी बर्थडे बॉय पानी लेके आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी पे पानी मारना है, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे गाड़ी। जाते जाते हमने थोड़े से भोग लिए, मतलब प्रसाद लिया और फूल लिए, यहाँ पे दिए भी थे, सारा कुछ आपको एक पैक में मिल रहा था 50-50 रुपीज़ के। तो हमें जिन जिन के नाम से पूजा करनी थी हमने 4-5 पैकेट्स ले लिए थे, और आप देख रहे हो मंदिर में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे 100 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ के जानी होती है, ज़्यादा थकावट नहीं होती है, यू कैन रेस्ट। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, आधे लोग बैठे भी हुए थे, हम लोग भी थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे ऊपर, और फिर हमने बाहर ही जो है दीप जला दिया था और अगरबत्ती जला दी थी, क्योंकि अंदर उतनी देर के लिए आपको खड़े होने के लिए नहीं दिया जाता है। फिर उसके थैंकफुली यहाँ पे कैमरा देखने के लिए कोई नहीं था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ये मंदिर बहुत मान्यता वाला मंदिर है, जो भगवान जी है, शिव जी है, वो बिल्कुल गुफा के अंदर है, और ये जो शिवलिंग था वो अपने आप ही प्रकट हुआ है यहाँ पे, एक इंसान ने उनको देखा था। और यहाँ की जो गलियाँ हैं वो बहुत ही नैरो है, और यहाँ से घुसने में भी आपको थोड़ा झुक के घुसना पड़ता है, ये कोई भी मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। और यहाँ पे हमने बंदरों को भी फीड किया, बनाना खिलाया था, और फिर हम लोग वापस नीचे आ गए थे, हमने पूजा। हमने दर्शन कर लिए और आप लोगों ने भी दर्शन कर ही लिए होंगे। अभी हम लोग पी रहे हैं दही, ये मीठा वाला दही है और ये तीखा वाला दही है, जो कि यहाँ का सबसे फेमस है। आपको ये एकदम प्योर मिलेगा, मतलब ना मिक्सिंग ना।